सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस केस में ड्रग्स का एंगल सामने आया है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से हैरान करने वाली कुछ बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिट्रीव चैट्स हैं, जिन्हें रिया ने बात करने के बाद डिलीट कर दिया था। इन चैट्स में रिया ने गौरव आर्या, सैमुअल मिरांडा, जय साहा से बातचीत की। पहली चैट जो कि 8 मार्च 2017 की है, ये चैट रिया और गौरव के बीच हुई। रिया ने इसमें लिखा, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हारे पास एमडी है क्या? एमडी एक तरीके का ड्रग्स है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। गौरव वही शख्स है जिन्हें आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इसके बाद रिया ने गौरव से भी बातचीत की। दूसरी चैट 25 नवंबर 2019 की है, जिसमें रिया ने जया साहा से बातचीत की है। जया ने कहा, मैंने उसे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, जिसके बाद रिया कहती है थैंक यू। जया ने इसका जवाब दिया, जया ने लिखा, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। तीसरी चैट है 17 अप्रैल 2020 की, जिसमें रिया ने सैमुअल मिरांडा से बातचीत की है। सैमुअल ने कहा है, हाय रिया, स्टफ खत्म हो चुके हैं, क्या हम ये शॉवी के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बर्ड है। आपको बता दें कि हैश और बर्ड कम स्ट्रॉन्ग ड्रग माना जाता है। सुशांत केस में अभी कई पत्ते खुलनी बाकी है। सोशल मीडिया पर ड्रग एंगल के सामने आते ही सुशांत के फैंस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी ने पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के फोन और लैपटॉप जब्त किए थे।